हाय फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 10 राज्यों के नए राज्यपाल। जी हाँ, अभी 10 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए गए हैं। वहाँ के राज्यपाल को चेंज किया गया है, बदला गया है। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो 10 राज्यों के नए राज्यपाल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के रूप में आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। चलिए देख लेते हैं और ले लेते हैं आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम। कुछ ऐसे राज्यपाल हैं जहाँ पे, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे भी राज्यपाल जो है चेंज किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट होता है यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एज ए करेंट अफेयर्स के रूप में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राज्य ले लेते हैं, बात करते हैं बिहार की। अगर हम बिहार राज्य की बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके नीतीश कुमार। और यहाँ के यदि हम राज्यपाल की बात करते हैं जो हुए हैं चेंज, तो वो हैं आपके फागू चौहान। तो राज्य है बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये तो आपको पता ही है। बस आपको इसमें याद रखना है कि यहाँ के जो राज्यपाल बनाए गए हैं वो है आपके फागु चौहान। कौन है? फागु चौहान, ठीक है। इसी तरह से देख लेते हैं दूसरा मध्य प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कमलनाथ हैं, ठीक है। और यहाँ के जो राज्यपाल बनाए गए हैं वो है लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं कमलनाथ, क्योंकि आपको याद है कमलनाथ है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं लालजी टंडन। तो याद रखना है आपको लालजी टंडन, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ हैं, और कमलनाथ और राज्यपाल जो यहाँ के हैं वो हैं लालजी टंडन। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यो रियो। कौन है? नेफ्यो रियो हैं। और देखिए ना से स्टार्टिंग है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका भी नाम देखिए ना से ही है। तो नागालैंड और नेफ्यो रियो, और साथ में राज्यपाल जो हैं वो रवि हैं। कौन बनाए गए हैं? राज्यपाल रवि बनाए गए हैं, जो लास्ट में इनका रियो है रा से, और जो राज्यपाल हैं वो भी रा से यानी रवि है। तो थोड़ा सा ट्रिकी यहाँ पे आपका बन जाता है, ठीक है ना। तो नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यो रियो, और राज्यपाल जो है रवि यहाँ के हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश राज्य के जो आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, ये हम सबको पता है। मुख्यमंत्री कौन कहाँ ये तो हमें पता है, याद रखना है सिर्फ राज्यपाल का। तो जो आनंदी बेन है उनको बनाया गया है यहाँ का राज्यपाल, ठीक है ना। किसे बनाया गया है? आनंदी बेन को। थोड़ा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो पहली पसंद थे आपके प्राइम मिनिस्टर की, इसलिए उनको यहाँ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी मोदी जी हैं वो गुजरात के हैं, तो गुजरात से आनंदी बेन को भेजा उन्होंने यूपी में। तो यूपी के जो राज्यपाल वो आनंदी बेन है, और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ हैं। अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल का देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं मिनिस्टर वो हैं आपकी ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर। हर एक कोई जानता है इन्हें बहुत अच्छे तरीके से। और उसी तरह से यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़ को बनाया गया। किनको बनाया गया है? जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री वो ममता बनर्जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। इसी तरह से त्रिपुरा का ले लेते हैं। त्रिपुरा बिप्लव कुमार देव हैं। कौन है? बिप्लव कुमार देव जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं, ठीक है ना। तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? रमेश बैन। मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव और रमेश बैस जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। एग्जाम में जनरली जो है राज्यपाल ही पूछा जाता है, कभी कभार मुख्यमंत्री पूछा जाता है, राज्यपाल तो बहुत पूछे जाते हैं। छग यानी कि छत्तीसगढ़, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो भूपेश बघेल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं तो अनुसुईया हैं। कौन है? अनुसुईया को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। तो भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। और यहाँ के राज्यपाल जो है अनुसुईया को बनाया गया है। तो इस तरह से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ हैं, त्रिपुरा जो है इसके मुख्यमंत्री हैं बिप्लव कुमार देव, यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं, और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और यहाँ के राज्यपाल जो हैं अनुसुईया हैं। कौन है? अनुसुईया को बनाया गया है। और देख लेते हैं
अब यहाँ पे देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बिश्वभूषण हरिचंदन है। कौन है? बिश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है जगन मोहन रेड्डी, कौन है? जगन मोहन रेड्डी को राज्यपाल बनाया गया है। कहाँ के? बिश्वभूषण हरिचंदन मुख्यमंत्री हैं, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जगन मोहन रेड्डी हैं, मुख्यमंत्री बिश्वभूषण हरिचंदन है। गुजरात, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी हैं। और यहाँ का राज्यपाल आचार्य देवव्रत को बनाया गया। किसे बनाया गया? आचार्य देवव्रत को गुजरात का जो है वो राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, रिवाइज करते हैं। त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जगन मोहन रेड्डी। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जो हैं वो कहाँ के हैं? गुजरात के राज्यपाल हैं व्रत और विजय। ठीक है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र को बनाया गया। किसे बनाया गया? कलराज मिश्र को बनाया गया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन ले लेती हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नागालैंड के राज्यपाल कौन है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है आपको बताना, आनंदीबेन, नेफ्यूरियो या रवि। तो देखिए जब आप मैंने ट्रिक इसमें बताया था कि यदि आपको यहाँ का मुख्यमंत्री याद रहे नेफ्यूरियो, जो नेफ्यूरियो है वो क्या है? नेफ्यूरियो यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लास्ट वाले वर्ड को आपको याद रखना है, रियो का आर यानी कि रवि। ठीक है ना। तो जो नागालैंड के राज्यपाल है वो कौन है? रवि है। रवि यहाँ के क्या है? नागालैंड के राज्यपाल है। ओके, थोड़ा ट्रिकी है। रियो याद रखिए, नेफ्यूरियो, रियो और रवि आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों थोड़े से मिलते जुलते, पहला वर्ड दोनों का सेम ही है, आर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि गुजरात के राज्यपाल कौन है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? विजय रूपानी, आचार्य देवव्रत, कलराज मिश्र या इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट हम देख के आ रहे हैं कि गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो कौन है। तो देखिए आचार्य देवव्रत जो है वो क्या है? गुजरात के राज्यपाल है। कहाँ के राज्यपाल है? गुजरात के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया, रूपेश बघेल, भूपेश बघेल, रवि या इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? देखिए छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? अनुसुईया है। कौन है? अनुसुईया जो है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और भूपेश बघेल जो है वो क्या है? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बिहार के राज्यपाल कौन है। देखिए बिहार के जो राज्यपाल हैं नीतीश कुमार, फागू चौहान, कमलनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके फागू चौहान। फागू चौहान जो है कहाँ के हैं? बिहार के राज्यपाल हैं। नीतीश कुमार क्या है? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन, कमलनाथ, शिवराज सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट हम देख के आ रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो है लालजी टंडन है। और अगर हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो कमलनाथ है। ठीक है ना, कमलनाथ मुख्यमंत्री, लालजी टंडन वहाँ के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है आपको यहाँ पे बताना है। ओके, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, जगदीप धनखड़, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आनंदीबेन पटेल हैं वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई हैं, और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मैंने फार्मूला भी बताया था, पीएम के दोनों पसंदीदा हैं। पहले ये भी राजस्थान, गुजरात की जो थी क्या थी? मुख्यमंत्री थी, पीएम ने बनाया था पीएम बनने के पहले, इसलिए इनको जो उत्तर प्रदेश का कार्यभार सौंप दिया गया राज्यपाल के रूप में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बिप्लव कुमार देव, रमेश बैस, अनुसुईया, इनमें से कोई नहीं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम, तो देखिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम जो है वो बिप्लव कुमार देव है। ठीक है ना, कौन है? बिप्लव कुमार देव जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है। और रमेश बैस जो है वहाँ के क्या है? वहाँ के वो राज्यपाल हैं। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लव कुमार। देखिए इसमें भी पा है और इसमें भी, देखिए बीच में पा आ रहा, थोड़ा इसे भी आप जो है याद रख सकते हैं नाम को, क्योंकि सभी को याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसमें इसके लास्ट में रा आ रहा है त्रिपुरा में, और इसके जो राज्यपाल है उनकी स्टार्टिंग भी रा से हो रही है, रमेश बैस। ठीक है ना, तो रमेश बैस जो है वो राज्यपाल है, बिप्लव कुमार देव जो है वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं।
और एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है। तो देखिए जो कलराज मिश्र, कलराज होगा यहाँ पे, ठीक है, कलराज जो मिश्रा है, कलराज मिश्रा जो है ये कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। और जयराम ठाकुर जो है वो क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स ये था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की ज़्यादा है, सिर्फ और चुनिंदा क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको आप ओके कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ईजी से अवेलेबल हो जाए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।